नमस्कार, आप देख रहे हैं निशन न्यूज़। मैं हूं अभय प्रियदर्शी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला आज पटना पहुंचे थे। चुनाव को लेकर काफ़ी कुछ कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यंग युवा लीडर हैं और उनमें तेज तरार हैं और साथ ही साथ उनमें नया जोश है और कांग्रेस के पास तजुर्बा है, दिशा है, दृष्टि है, तो हम लोग सरकार में आएंगे, एक अच्छी सरकार बनाएंगे। साथ ही साथ आगे बताया कि जिस तरीके से आज सचिवालय में आग लगी, इससे यह साफ हो रहा है कि सरकार जाने के लक्षण दिखा रही है। क्योंकि अगर ग्रामीण विकास विभाग में जो आग लगी है, जो आग लगने के साथ वहां के जो फाइल हैं वो जलकर राख हो चुके हैं, और यही कारण है कि दिख रहा है लक्षण कि सरकार जाने वाली है। और सरकार इसलिए यह कर रही है क्योंकि जो घोटाले हैं वो उन फाइलों में ही दबकर रह जाए। देखिए, सरकार जाने के लक्षण दिख जाते हैं। आज जब हम ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं तो राज्य के सचिवालय के ग्रामीण विकास विभाग में आग लग गई। वो सारे घोटाले जो हुए थे उनकी फाइलें जल गई। वो जितना पैसा लूटा गया था वो सारी फाइलें जल चुकी, क्योंकि उन्हें पता है अगली सरकार आएगी तो हिसाब मांगेगी। आज पहली आग लगी है, दूसरी कहां लगाएंगे देखते हैं। पहले देखिए वीडियो, क्या कुछ आगे कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। हम आगे ले जाने वाले इंजन, फैसला बिहार को करना है। वो पीछे जाना चाहता है या वो आगे बढ़ना चाहता है, वो पीछे देखते हैं। अभी नीतीश बाबू ने दो बातें कही। उन्होंने कहा दो हफ्ते में सारे विधायक सारे कामों की जिम्मेवारी लेंगे। हमने कहा भैया 780 हफ्ते में क्या किया, 15 साल से आप सरकार में हैं, 780 हफ्ते का बता दीजिए, अगले दो हफ्ते में क्या खाक तोड़ने वाले, पहले 780 हफ्ते में बता दीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो सिर्फ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से हटकर बात नहीं करती है, अगर राजनीति करती है भाजपा और जेडीयू तो भय, नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है। बिहार की भाजपा और जेडीयू बिहार के किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं आपको याद दिलवाता हूं, पिछली बार अमित शाह जी ने कहा था बिहार की धरती पर कि अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। क्या आपने कभी पूछा पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे नहीं चलेंगे? अब आए तो जरूर पूछिएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, शमशान कब्रिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, उग्रवादी करेंगे, परंतु बिहार में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, बिहार में खेती की तरक्की कैसे होगी, बिहार के किसान का मक्का और धान जो 1200 पे पिटता है वो 1888 में कैसे मिलेगा, मक्का जो 700 में पिटता है उसकी 1750 कीमत कैसे मिलेगी, गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा, खेत को बिजली और पानी कैसे मिलेगा, उद्योग और धंधा कैसे लगेगा, ये नहीं बताएंगे। साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह कहा कि रात का संबोधन नरेंद्र मोदी का डरनाने वाला होता है, क्योंकि जिस तरीके से वो पहले नोटबंदी कर चुके हैं, GST कर चुके हैं रात के संबोधन में, और आज जिस तरीके से उनका संबोधन है तो मुझे डर लग रहा है। एक भारतीय नागरिक के तौर पर मुझे तो डर लगता है, आपको भी लगना चाहिए। इस देश के हर उस युवा को, जुम्मेवार नागरिक को मोदी जी के ये 6 और 8 बजे के भाषण से भैया बड़ा डर लगना चाहिए। पिछली बार किया था तो नोटबंदी कर डाली, सारी महिलाओं का जमा किया हुआ पैसा खत्म कर दिया, दुकानदारों का व्यवसाय खत्म कर दिया, पत्रकार साथियों के पास तो पैसे होते नहीं, फिर भी कहीं अलमारी में 100-500 रुपया बचा था वो भी निकलवा लिया, और पूरी अर्थव्यवस्था का तहस नहस कर दिया। दूसरी बार जब रात को बोले तो GST ले आए। दुकानदार से पूछिए, व्यवसायी से पूछिए, उद्यमी से पूछिए, 2 रोटी अगर कमा लेते थे तो वो GST से सब खत्म हो गई, चौपट हो गई, और प्रांतों का हिस्सा नहीं दे रही। ये पहली सरकार है जो प्रांतों का हिस्सा खा गई, कानून और संविधान की अवहेलना करती है। तीसरी बार जब बोले रात को 6 और 8 बजे तो फिर लॉकडाउन कर दिया, फिर पूरे देश का बेड़ा गर्क किया,
और बिहार में और यूपी में लाखों करोड़ों हमारे मजदूर भाइयों और बहनों को जिस प्रकार से पैदल चलना पड़ा था हजारों किलोमीटर, और नीतीश बाबू ने कहा था हम तो बिहार में घुसने नहीं देंगे, और वो आए हैं आदित्यनाथ जी हाथरस वाले कांड वाले, आज पता नहीं हाथरस के दोषियों को हेलीकॉप्टर में बिठा ही ना ले आए, बच के रहिएगा उनसे। उन्होंने दवाई जो होती है उससे फायर ब्रिगेड से दवाई इंसान पर छिड़कवाई। हम टिड्डी दल हैं क्या बिहार यूपी के लोग जिन पर आप कीटनाशक दवाई छिड़कवा रहे हैं? तो इसलिए भैया मोदी जी के शाम के संबोधन से तो सबको डर लगता है, पता नहीं आज क्या गुल खिलाएंगे। फिलहाल इतना ही, खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। नमस्कार।